वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों कैसे आप सभी, होप यार आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जहाँ भी है खुश है। और आज तुम्हारे भाई भी मज़े में खुश है। और आज का कोई व्लॉग खास नहीं होने वाला है, कहीं व्लॉग हम जा नहीं रहे। तो आज हम आए हैं अपने गांव के फॉरेस्ट एरिया में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ के फॉरेस्ट कैसे होते हैं और यहाँ पे किस किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं और फॉरेस्ट का आपको सीन दिखाएंगे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जंगल के अंदर और अब इससे थोड़ा और आगे जाएंगे और आप सभी को बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं और इनका हमारी संस्कृति से क्या संबंध है। और दोस्तों जंगल के अंदर आते ही भाई एकदम सुकून की ज़िंदगी मिलती है। आप सभी ने भी ये सब फील किया होगा जब भी आप जंगल के अंदर जाते हैं अपने गाँव के आसपास, तो भाई कितना शांत वातावरण होता है वहाँ का। तो अभी हम भी वही चीज़ उसी चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो यार दोस्तों आप सभी का स्वागत है चींटियों के महल में। क्योंकि आप सभी सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों बोला, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि आंटिल असल में कैसा होता है, लेकिन आज हमें ये चीज़ मिल गया है और आप सभी को भी दिखाएंगे कि आंटिल कैसा होता है। ये है भाई हमारे चींटियों की दुनिया, यहीं पे है, बसती है और इसी में रहते हैं चींटियाँ। और चींटियों की रानी भी इसी में रहती होगी भाई, लेकिन वो रानी तो हमें अभी मिलेगी नहीं है। तो देखिए यही होता है आंटिल, जिसे वैसे तो हम ये सब मूवीज़ में देखते हैं और रियल लाइफ में बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। और असल में देखिए ऐसा होता है आंटिल। यार दोस्तों झारखंड का जो मैक्सिमम एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है और झारखंड में एक है डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। भले ही हम लोग अभी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन यार अपने गाँव का मज़ा ही कुछ और होता है। हम हैं अपने गाँव के फॉरेस्ट में और हमारे गांव का नाम है सीलम। तो ये है साल ट्री, कैमरामैन थोड़ा दिखाई यार, साल ट्री है ये। झारखंड के जितने भी जंगल हैं आप सभी को मैक्सिमम साल ट्री नज़र आएंगे वहाँ पे। और साल ट्री इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सखुआ, और ये होते हैं एकदम स्ट्रेट और बहुत लंबे होते हैं और लगभग पूरे साल भर ये इनके पत्ते हरे ही होते हैं। और झारखंड में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन फॉरेस्ट का नाम होता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। और इस क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट है। और अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि इस पेड़ का हमारी संस्कृति से क्या संबंध है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। दोस्तों तुम्हारा दोस्त आज बनेगा मोगली, क्योंकि मैं अभी चढ़ने वाला हूँ इस पेड़ में, वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पे बैठूँगा। तो मुझे पेड़ चढ़ना तो वैसे आता नहीं है यार, लेकिन ट्राई करते हैं, चढ़ता हूँ, देखिए मैं कैसे चढ़ता हूँ। भाई लोग चढ़ रहे हैं, तुम्हारा दोस्त ऊपर चढ़ेगा। चींटी भी बहुत है यार यहाँ पे, लाल चींटी है। शायद ये जगह सही है, यस ये जगह सही रहेगा बैठने के लिए। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा झारखंड में पाया जाता है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट में ज़्यादातर सखुआ के पेड़ होते हैं, जो मैंने बताया था सखुआ लोकल लैंग्वेज है साल ट्री का। तो सखुआ जो है हमारे ये आदिवासी संस्कृति से इस पेड़ का बहुत ही ज़्यादा संबंध है, क्योंकि यहाँ के लोग जब भी यहाँ के कोई लोकल त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है जैसे कि सरहुल, उसमें इसके जो फूल होते हैं यहाँ इसी पेड़ को ही हम पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति ही यही है और हम यही जंगल से जुड़े हैं। दोस्तों वी आर ट्राइबल पीपल।
एंड यार हमें गर्व है कि हम एक आदिवासी हैं और यहाँ हमारे यहाँ पे जो लोकली जो शादियाँ होती है वहाँ पे भी इस पेड़ का काफ़ी यूज़ किया जाता है। और आप लोग आप सभी के वहाँ पे बनाया जाता होगा मंडप, शादी में बनाया जाता है मंडप, लेकिन हमारे यहाँ पे उसी को कहते हैं मड़वा। मड़वा में इसी पेड़ के जो पेड़ को काट के ले जाया जाता है और उसका मंडप बना जाता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मड़वा। तो इस पेड़ का यार हमारी संस्कृति से बहुत ही गहरा संबंध है। बिना संस्कृति के हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते दोस्तों। यार झारखंड में जो पेड़ पाया जाता है सखुआ, ये होते भी काफ़ी कॉस्टली है और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इस पेड़ को काटना वैसे मना है, लेकिन बहुत सी जगह पे कहीं भी डिफॉरेस्टेशन हो ही जाता है और जिसकी वजह से पहले यहाँ के फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा घने थे। इस तरह से घने थे कि आप सभी अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने अपने स्कूल में ध्यान दिया होगा तो आप सभी को पता होगा कि पहले इतने इस यहाँ के पेड़ इतने घने थे कि सनलाइट का जो रे था वो भी जमीन तक नहीं पहुँचता था। लेकिन यार आज के समय पर सब कुछ बदल गया है, समय के साथ यहाँ का जंगल भी परिवर्तन हो चुका है। तो भाई लोग अपने अपन के साथ थे, अपन के भाई लोग वो देखिए अपने टीम के क्रू मेंबर्स आगे जा रहे हैं। यार लोग तो भाई अपने से भी स्पीड में हैं, तो बने रहिए अपने साथ और हम चलेंगे बिल्कुल अंदर। इतना गहरा के अंदर जाएंगे कि भाई कैमरा दिखेगा ही नहीं। असली जंगल एक्सपीडिशन अभी स्टार्ट होगा क्योंकि अभी हम जाएंगे वहाँ ऊपर। यार वैसे ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन खड़ी चट्टान से चढ़ के जाना है वहाँ ऊपर। थोड़ी परेशानी आएगी कि हम जाएंगे और वहाँ से जो सीन आएगा ना भाई बहुत बढ़िया सीन आएगा, आप सभी को मज़ा आएगा भाई एकदम, ये अपना वादा है। काफ़ी भाई एकदम प्रोफेशनल लोगों की तरह हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन ऊपर का व्यू देखिए, इतना मेहनत करेंगे तो ऊपर का व्यू भी एकदम मस्त आएगा, मजेदार होगा। बाल बिखरा हो गया यार, घर से बना के आया था, हीरो बन के आया था लेकिन हीरो बन गया। भाई का चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, हम लोग इतना ऊपर आए हैं भाई। आयुष भाई की बात मान ली जाए भाई, आयुष भाई बात मान लो भाई, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आयुष भाई कभी झूठ नहीं बोलते हैं और आयुष भाई की बात सुन ली तो भाई पहुंच जाते हैं लोग जहाँ पहुँचते हैं। यार जंगल हम कहाँ मोगली के जंगल में पहुंच गए जैसा लग रहा है। काफी मशक्कत की बात कैसे आ रही है लेकिन हमें हौसला जो है ना गाइस, जो हौसला है हमारे अंदर अभी ऊपर टॉप में चढ़ने का, वो हौसला हमें चढ़ने का जुनून दे रहा है ताकि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाए। और तुम्हारा भाई लगातार वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारा भाई भी काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस पीछे दिख रहा होगा आपको, नहीं लाइट आ रहे हैं, सॉरी भाई लोग फंस चुके हैं। काफ़ी मुश्किल यहाँ से जाने के लिए, मुश्किल तो होगी क्योंकि मंजिल उतना सुहाना होगा है ना, मंजिल सुहाना होगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं गुफा में, गुफा के अंदर चलेंगे, गायब हो जाएगा कैमरा उसके बाद। तुम्हारा भाई बेयर ग्रिल्स से काम नहीं है दोस्तों, एकदम बहुत हार्ड बेयर ग्रिल्स। तो गाइस हम गुफा के बाहर निकल गए हैं और ये नजारा अति उत्तम, ये नजारा देखिए यार भाई। गाइस जस्ट सी दिस, वाओ देखिए दोस्तों ये नजारा देखिए यार।
तो गाइस कैसे हैं आप सभी? इतने मेहनत के बाद आखिरकार तुम्हारे भाई लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के सबसे टॉप जगह पे। मतलब बोल सकते हैं यार, जो हमारे एरिया है जहाँ हम रहते हैं वहाँ का सबसे टॉप एरिया है। और दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए, इतना शांत माहौल यार, और नज़ारा वही वाकई एकदम बेहद खूबसूरत, एकदम भाई मन शांत हो गया एकदम। वाह यार देखिए भाई, दोस्तों सीन देखिए यहाँ का व्यू। This is the beauty of our state, Jharkhand. और भाई दोस्तों यही है छोटा नागपुर प्लेटू, और यहाँ की खूबसूरती देखिए वाकई भाई मज़ा आ जाता है एकदम। और यहीं पे जन्म हुआ था हमारे देश और हमारे स्टेट के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का। देखिए भाई यहाँ का व्यू। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आखिरकार अपने विलेज के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। हम बोल सकते हैं ये हमारे विलेज का है माउंट एवरेस्ट, और यहां से दिखता है हमारा पूरा गांव, और इसी गांव में बसेरा है अपना। कभी भी आप आना चाहे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दोस्तों आपको हमने पहले नीचे जब हम जंगल में थे हमने आप सभी को बताया था सखुआ पेड़ के बारे में। जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था, मतलब कॉलोनियल रूल के टाइम पे, सखुआ पेड़ को अंग्रेज़ यहाँ से ले जाते थे। और आप सभी को पता ही होगा, अगर आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आप सभी का इसमें इंटरेस्ट था तो आप सभी को पता होगा कि जो सखुआ पेड़ था यानी साल ट्री, उसका ट्रेन की पटरियाँ बनाई जाती थी जिसको स्लीपर्स बोलते थे उस टाइम पे। और क्योंकि ये पेड़ लंबे लंबे होते थे इसलिए अंग्रेज़ यहीं से पेड़ को ले जाते थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे लोगों के जो ज़मीन थे जंगल में, जो लोगों के ज़मीन थे जहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी करते थे, उन ज़मीनों को लोगों ने अंग्रेज़ों ने छीन लिया था, और उसी टाइम पे इसलिए उस जंगल को नाम दिया गया था रिजर्व फॉरेस्ट। तो दोस्तों जब अंग्रेज़ों ने यहाँ के फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था तो लोगों को मना था, मतलब लोग फॉरेस्ट में नहीं आ सकते थे, और यहाँ के सामान भी जो उनके डेली नीड्स के सामान थे वो भी यहाँ से नहीं ले आ सकते थे, और साथ ही साथ लोग फार्मिंग भी नहीं कर सकते थे। मतलब उस टाइम पे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फाइनली अब हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी मज़ा आया आज, और आप सभी ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज, हमने कुछ नई नई बातें बताई। तो भाई दोस्तों आप सभी का धन्यवाद जिन्हें लास्ट तक वीडियो देखा, और जितने जो भी हमें सपोर्ट करते हैं वो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और हम आप सभी को इसी तरह के मज़ेदार नए नए कंटेंट्स लाएंगे। तो भाई दोस्तों जो भी नए व्यूअर्स हैं अपने चैनल पर, आपको पता ही अपना फ़र्ज क्या करना है यार, चैनल पे ठोको, जितना ठोक सकते ठोको, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब मारो यार, एकदम दिल खोल के कोई टेंशन नहीं है भाई, जितना प्यार देना है दो भाई, प्यार दो। धन्यवाद गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कंट्री साइड लड़का पे।